आज तो काफी अच्छा मौसम बने हैं, बादल को देख रहे दिल गदगद हो गया। चलो तो चलते हैं, स्टाफ का बहन का शादी है वहाँ जाएंगे। दोस्तों अभी सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पैसा वगैरह इकट्ठित करेंगे, उसके बाद उनको देंगे। सो हेलो मेरे जिगर के छल्ले, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मास्टर बिंदास हूं दोस्तों, आज है शुक्रवार और दोस्तों अभी सुबह के 11 बजे हैं। तो गाइस अभी का नजारा देखो, काफी ब्यूटीफुल नजारा देखो, आसमान काफी नीले नीले दिखाई दे रहे हैं, काफी मस्त और बादल सफेद, क्या ही गजब का लुक यार। सो चलिए दोस्तों आज का दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सुनते हैं प्यार भर झारखंड शहर, मेरा नाम है पात्रिक, बहुत स्वागत है आप सभी का झारखंड गुमला जिला के खूबसूरत दुकापाट शहर से। सो दोस्तों ये मेरा अपना दुकापाट गाँव है और आजकल मैं गाँव में ही रह रहा हूँ दोस्तों, और आज तक हमारे गाँव में घर सभा है। तो देखते दोस्तों आज के क्या सीन है, अगर गाँव के लोग आएंगे तो अच्छी बात ले आएंगे, तो क्या बोलेंगे अपने ही गाँव के लोगों के साथ, कुछ चुनाव वगैरह भी कर रहे हैं तो बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसी की वजह से आज ग्राम सभा रखा गया है। और आज है दोस्तों 17 तारीख और कल है 18 तारीख, और कल दोस्तों महोटोली में ग्राम सभा वगैरह है। वहाँ के लोगों को मैं मैसेज वगैरह कर दिया हूँ, वहाँ ग्राम सभा करेंगे और वहाँ पे क्या क्या स्थायी समिति का सदस्य वगैरह चुने हैं वो वगैरह सब लोग करेंगे। तो चलो से एकदम पावर ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और गाइस अभी दोस्तों दोपहर के 11 बजे हुए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों अखेरा, हम लोग का वहाँ पे मीटिंग वगैरह करते हैं, उनके जाँच से देखूँगा, उसके बाद पता वगैरह करूँगा दोस्तों हमारे गाँव के सदस्य लोग आ चुके हैं। और ये दोस्तों हम लोग का जल मिल जाना काफ़ी गंदा पानी निकल रहा है दोस्तों, क्या ही बोले, और पूरा टंकी भर गया जैसा सुनाई दे रहा है दोस्तों। ये है चपाकल, यहाँ पे चपाकल यानी पड़ा हुआ है, और देखिए पूरा गंदा पानी, और ये पानी को अभी मैं अपने घर लेके जाऊँगा। देखिए इतना गंदा पानी को लेके जा रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा देर रखूँगा, उसके बाद ही अपने आप दोस्तों गंदा वगैरह जम जाएगी, उसके बाद उस पानी को हम लोग थाली वगैरह धोने के लिए यूज करेंगे। मतलब पानी का जो गर्दा है ना वो सारा जम जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसी पानी से थाली वगैरह मांग लेंगे। जैसे एकदम फुटबॉल ब्लॉग में लाकर दे रहा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चले इसको दिन की शुरुआत करते हैं, देखिए आगे क्या क्या सीन क्रिएट होती है। अभी तक कोई नहीं आए हैं, देखते हैं दोस्तों कितने देर तक यहाँ पे लोग आते हैं, 12 बजे तक देखेंगे, उसके बाद मुझे कहीं और जाना है, वहाँ पे ग्राम सभा का रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना है, क्योंकि रजिस्टर लोग आ रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सचिवालय वगैरह को तैयार करना होगा। सचिवालय में क्या क्या होना चाहिए, मतलब गाँव पूरे गाँव के लोगों का लिस्ट वगैरह सूची वगैरह सब बना के फिर सचिवालय में रखना चाहिए। तो उन सबको दोस्तों देखने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यानी राजाटरा जा रहा हूँ दोस्तों। और देख सकते हैं ये है आप उनका गाँव का मेन रोड, देखिए बादल देख सकते हैं कैसे है, इधर भी बादल है हल्का हल्का धूप, तो ये दोनों मिल के दोस्तों कितना मस्त लुक दिखेंगे। हाय रब क्या करें यार, गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, लोग वीडियो को लाइक कर दो, कम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दो, ताकि आपका भाई को और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता रहे। तो चलो सर आज की देखिए शुरू करते हैं। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरा गाँव है डोकापाट, और देख सकते हैं आजकल दोस्तों मैं गाँव में ही रह रहा हूँ और गाँव से ही ब्लॉग वगैरह सब डेली बना के आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को दिखा रहा हूँ गाइज। तो दोस्तों आजकल मेरे सब्सक्राइबर लोग काफ़ी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, तो गाइज इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या ही दोस्तों मुझे सर्दी पकड़ दी है आजकल ना, ठंडी भी बहुत जल्दी पहुंच जा रही है गाइज, आजकल ना बहुत जल्दी शाम हो जाती है और ठंडा बहुत चोट लगती है गाइज, और मैं स्वेटर वगैरह भी नहीं खरीदा हूँ दोस्तों इस साल, और मुझे दोस्तों पूरा मेरा जनौल पंचायत में घूमना पड़ता है, तो ठंडी भी मार दे रही है, इसीलिए दोस्तों मुझे सर्दी भी हल्की फुल्की पकड़ लिया है। और गाइज हम लोग 27 तारीख को ना ऊटी भी जा रहे हैं घूमने के लिए, हम लोग को ले जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग को ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे ट्रेनिंग वगैरह सब है, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या सीन वगैरह देखने को मिलता है, कैप्चर करने का कोशिश करेंगे लोगों को, यानी वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, इतने सारे लोग आते हैं हमारे झारखंड के जितने भी पीएफ फाउंडेशन में हमारे साथ पीआईपी के रूप में काम कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके वहाँ पे हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो जाएंगे वहाँ पे और जो भी होगा हम लोग साथ एक्टिविटी और सारा कुछ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। सो गाइस इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके अपने तमाम दोस्तों को दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, तो ताकि आपका भाई भी दोस्तों निकल चुका है एक अलग ही लाइफ स्टाइल जीने के लिए। सो गाइज अभी दिन के दोस्तों 1:30 बजे हैं, और गाइज अभी भी जस्ट हमारे सर का कॉल आया था दोस्तों, आज हमें दोस्तों पता है कहाँ बुलाए हैं दोस्तों, आज हमें दोस्तों हमारे स्टाफ की बहन का दोस्तों शादी में बुलाए हैं गाइज, इनवाइट आया है दोस्तों, वहाँ जाना तो बनता है मेरी जान। सो गाइज चले दोस्तों वहाँ जाके एकदम फुल पावर नाचेंगे गाएंगे जो भी होगा दोस्तों, खाना पीना वगैरह करके आएंगे। सो गाइज तो दोस्तों आज तो मीटिंग नहीं हो पाई दोस्तों, मीटिंग के लिए बोले थे लेकिन अभी तक गाँव के कोई लोग नहीं आए, तो अभी दोस्तों मैं फिर से अपने घर की ओर वापस जा रहा हूँ, और दोस्तों अभी मुझे चैनपुर भी जाना है, राजाडेरा जाना था लेकिन दोस्तों राजाडेरा वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे सर का ना कॉल आया था।
गया दोस्तों फाइनल। सो गाइस फाइनल अभी दोस्तों मैं डरगा पहुंच गया हूं, अभी मैं उठ जा रहा हूं। दोस्तों देख सकते हैं इधर का नजारा। ओ भाई ये है हमारे डोका पार्ट जाने वाला, बस फाइनली पहुंच चुका है। ओहो आज तो पूरा खाली लग रहा है यार, क्या बात है। ये हमारे डोका पार्ट जाती है दोस्तों, ये बस हमारा गांव जाती है दोस्तों, डोका पार्ट गांव। और देखिए कितना सुंदर सा व्यू, क्या ही बोले यार, गजब का नज़ारा। देख सकते हैं गाइस बादल कितना मस्त के दिखे। आज तो काफ़ी अच्छा मौसम है, बादल को देख रहे तो दिल गदगद नहीं। चले तो चलते हैं स्टाफ का मान का साथ ही वहाँ जाएंगे। अभी सबसे पहले हम लोग तो भी जाएंगे वहाँ पे पैसा वगैरह इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उनको देंगे। तो गाइज देख सकते हैं सामने का नज़ारा तो काफ़ी मस्त दिखाई दे रहा है। और सामने दोस्तों ये पत्थर आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला मेरा अंगुली के जस्ट ऊपर वाला, ये पहला पत्थर बोलते हैं दोस्तों ये वाला। और वहाँ नीचे दोस्तों डैम भी है, तिलवर डैम बोलते हैं। और उससे ऊपर दोस्तों तिलवरी गाँव है। और इधर बगलाता हुआ, कोरकोट हुआ, और भाई चले तो चैनपुर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कब मेरे स्टाफ लोग आएंगे, उसके बाद साथ में हम लोग मिल के जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं स्वेटर वगैरह भी लेके नहीं आया हूँ दोस्तों, और काफ़ी जोर हवाएं भी चल रही है, हम लोग सुन रहे हैं गाइस काफ़ी ठंडा लगे दोस्तों। वहाँ से खाना पीना खा के जल्दी निकलेंगे, नाच गान जो भी करना है देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा बने रहना एकदम फुटबॉल ब्लॉग में। Thank you.